होली का टाइम हो और गुजिया ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज हम बनाएंगे एकदम हलवाई जैसी गुजिया घर पर ही, जो कि बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट एंड जूसी बनने वाली है। सबसे पहले हम गुजिया के लिए डो लगाएंगे, तो उसके लिए हम 2 कटोरी के करीब मैदा लेंगे। मैंने 2 कटोरी के करीब मैदा लिया है, तो इसके लिए हम इसमें 1/2 कटोरी के करीब घी डालेंगे। घी हम मोयन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट मैं 1/2 कटोरी के करीब घी डाल रही हूँ, जिससे कि गुजिया बहुत अच्छे से क्रिस्प बनेगी। तो अब हम घी को अच्छे से आटे के अंदर मिक्स करेंगे, तो इसको ऐसे मसल मसल के बहुत अच्छे से आटे के अंदर मिक्स कर लें, जिससे कि बहुत अच्छे से रेशे आएंगे गुजिया के अंदर। हम आटे में 1 चुटकी के करीब सॉल्ट डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमको आटा लगाना है, तो उसके लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटा लगाएंगे। तो आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा पानी एक साथ ना डालें, वरना मैदा गीला हो जाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और एक सॉफ्ट आटा लगाएं। बहुत ज़्यादा टाइट आटा नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा गीला आटा भी नहीं लगाना है, तो एक सॉफ्ट आटा लगाएं इसे बहुत अच्छे से मसल के। मैं इसमें यहाँ पे फ्लोर पे आटे को रख के और अच्छे से मसल रही हूँ। आप चाहें तो इसे परात में भी मसल सकते हैं। तो अब हम इसे एक बाउल में रख के उसे 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब हम गैस ऑन करके एक पैन चढ़ाएंगे, उसमें हम 2 छोटे चम्मच के करीब घी डालेंगे। घी को थोड़ा गर्म होने देंगे और उसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स मिलाएंगे। मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स में बादाम, काजू, पिस्ता वगैरह यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कुछ और दूसरे ड्राई फ्रूट्स जैसे चिरौंजी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इनको हम अलग ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसी कढ़ाई में, जिसमें कि घी बच गया है, इसी में हम सूजी मिलाएंगे। 1/2 कप के करीब मैं सूजी मिला रही हूँ। सूजी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, 1/2 कप के करीब। सूजी को बहुत अच्छे से रोस्ट करना है, ब्राउन होने तक हम इसे रोस्ट करेंगे। सूजी के अंदर से बहुत अच्छे से पकने की खुशबू आने लगी है, ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो अब हम इसे एक अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम सेम पैन में 1/2 कप के करीब डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल का बूरा लेंगे और उसे भी बहुत अच्छे से रोस्ट करना है हमको। याद रखिए, नारियल के बूरे को बहुत अच्छे से ब्राउन होने तक रोस्ट करना है, जिसे क्रिस्प ब्राउन हो जाएगा। तो इस तरह से रोस्ट किए हुए खोपरे का फ्लेवर गुजिया में बहुत अच्छा आता है। तो आप इसे गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कर लें और इसे एक अलग बॉल में ट्रांसफ़र कर लें। अब हमें सेम इसी तरह से खोए को भी रोस्ट करना है, सारा इसका मॉइस्चर ख़त्म कर देना है। तो इसके लिए हमें खोए को मीडियम आंच पे लगातार चलाते रहना है। इसे लगातार चलाते रहिए, देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसके अंदर का मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह से खोया भी बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुका है, इट मीन्स इसका मॉइस्चर सारा ख़त्म हो चुका है और ये पक चुका है। तो अब इसे हम एक बाउल में अच्छे से ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हमको खोए में सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने रोस्ट किए थे वो मिलाने हैं। तो मैं सबसे पहले सूजी इसमें ऐड कर रही हूँ और ये डेसिकेटेड कोकोनट, इसे भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स जो हमने बहुत अच्छे से रोस्ट किए थे उन्हें थोड़ा सा क्रश कर लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा क्रश कर लें। और 1 छोटा चम्मच के करीब मैं इसमें इलायची पाउडर मिला रही हूँ, ये आप स्किप ना करें, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है गुजिया के अंदर। अब इस मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें 1 कप के करीब पीसी हुई चीनी मिलाएंगे। आप चीनी को बढ़ा सकते हैं अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो मैं 1 कप के करीब मिला रही हूँ। अब इस मिक्सचर को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम गुजिया के लिए आटा रेडी करेंगे। तो अब हमको आटे को बहुत अच्छे से गूंदना है। मैं इसको फ्लोर पे डाल के और बहुत अच्छे से इसको गूंदूंगी। आप चाहें तो चकले पे भी गूंद सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मसल मसल के आटे को लगाना स्टार्ट करना है। तो देखिए आटे के अंदर से कितने अच्छे से रेशे नज़र आ रहे हैं। तो आटा हमारा अच्छे से लग चुका है। अब हम इससे छोटी छोटी सी गोलियाँ बना लेंगे, जितनी बड़ी आप गुजिया बनाना चाहते हैं। तो आप इस तरह से कुछ आटे को गोलियों की शेप में गोल गोल बना लें। तो इस तरह से हम सारी आटे की लोई बना लेंगे एक साथ। अब हम आटे से छोटी सी रोटी बनाएंगे, बिल्कुल थिन इसको बेलना है।
देखिए कितने अच्छे से बेली जा रही है, इसका मतलब आटा बहुत अच्छे से बनकर रेडी हुआ है। अब हम आटे में थोड़ी सी फिलिंग रखेंगे, 1 से 1.5 स्पून के करीब आप इसमें फिलिंग रखिए। बहुत ज़्यादा नहीं भरना है वरना फिलिंग बाहर आ जाएगी, तो इतनी काफ़ी होगी। अब हम इसके चारों तरफ पानी लगाएंगे जिससे कि ये अच्छे से कवर हो जाएगी। हमें बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ना है वरना फिलिंग वहाँ से बाहर आ जाएगी। तो आप ध्यान रखिए कि हमें अच्छे से पैक करना है इसको। इसके लिए हमने बहुत अच्छे से पानी लगा के इसको इस तरह से पैक कर दिया है। अब हमको इसे गुजिया की शेप देनी है, तो उसके लिए हम इसे कोने से इस तरह से पकड़ के अंदर की तरफ पलटेंगे। तो यही स्टेप है जो कि हमको बार बार दोहरानी है। बार बाहर का कोना पकड़ के अंदर की तरफ पलटेंगे और इस तरह से आप करते जाइए, इससे गुजिया की शेप आने लगेगी। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, आप 2-3 गुजिया इस तरह से बनाएंगे तो आपको ये डिज़ाइन बनाना आ जाएगा। तो इस तरह से बाहर से अंदर की तरफ ट्विस्ट करते रहें, इस तरह से गुजिया बन के रेडी हो जाएगी। बस इसी स्टेप को करते रहना है आपको। तो देखिए हमारी गुजिया बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये बिल्कुल उसी तरह से लग रही है जैसे कि हलवाइयों की लगती है, कहीं से भी फिलिंग बाहर आने का रास्ता नहीं है, बिल्कुल अच्छे से पैक हो चुकी है। तो इस तरह से मैंने सारी गुजिया को बना के रेडी कर लिया है। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। गुजिया को फ्राई करने के लिए मैं कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल को गर्म करने के लिए रख रही हूँ। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें बारी बारी से गुजिया रख देंगे। बहुत सारी एक साथ नहीं रखनी है, 4-5 गुजिया, जितनी भी आपने ऑयल की क्वांटिटी रखी है उसके अकॉर्डिंग आप गुजिया अंदर रख दीजिए। और उन्हें बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से चलाइए, शुरू में एकदम से ज़ोर ज़ोर से नहीं चलाना है, अदरवाइज़ वो फट जाएगी और फिलिंग सारी बाहर आ जाएगी। तो धीरे धीरे चलाइए और उनको ऐसे मूव कराते रहिए, इस तरह से पलटते रहिए उनको। देखिए हमारा गुजिया का कलर हल्का ब्राउन होने लगा है। तो देखिए हमारी गुजिया एकदम क्रिस्प और ब्राउन हो चुकी है, कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल हलवाइयों वाली ना। तो इस होली पर ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको गुजिया बनाकर खिलाएं, सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।